हेलो स्टूडेंट, दिस इज नकिन श्रा। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के ऊपर, अर्थात विलोम शब्दों के ऊपर। तो बच्चों चलो चेक करते हैं, ठीक है। पहला वर्ड अपने पास क्या है, और चार ऑप्शन भी बच्चों आपके पास अवेलेबल है। विजिलेंट वर्ड है पहला वर्ड अपना, क्या है बच्चों? विजिलेंट लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ? विजिलेंट, ठीक है बच्चों। विजिलेंट का क्या अर्थ होता है? विजिल करना मतलब केयरफुली किसी चीज़ को गार्ड करना, वॉच आउट करना, निगरानी करना, आप कह सकते हैं। एक शुद्ध हिंदी शब्द मिल रहा है, निगरानी करना, है ना। और विजिलेंट एडजेक्टिव है बच्चों, विजिलेंट एडजेक्टिव है, मतलब निगेबान होना। क्या होना बच्चों? निगेबान, है ना बच्चों। तो विजिलेंट शब्द का अर्थ होता है निगेबान, समथिंग केयरफुल, वेरी केयरफुल, है ना बच्चों, केयरफुल, ठीक है। अवेयर, कॉशस, वेरी, शेरी, ऐसे शब्द आते हैं सावधान के लिए। अवेयर, वेरी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉशस, तो ये तो एक जैसे शब्द हैं। तो हमको क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पर एंटोनिम चाहिए, विरोधाभास अर्थात विलोम शब्द चाहिए। तो और एक वर्ड है बच्चों रैश। रैश का अर्थ क्या होता है? रैश ड्राइविंग होती है। रैश का मतलब होता है बच्चों बेपरवाह। रैश का मतलब क्या होता है बच्चों? बेपरवाह ड्राइविंग, जैसे रैश ड्राइविंग हो सकते हैं, रैश डिसीजन हो सकता है, है ना। रैश प्लानिंग हो सकती है, डिसीजन। आई होप अब आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉशस और वेरी, इन सभी का मतलब सावधान से है, अवेयर से है। क्या बच्चों? अवेयर, अवेयर, है ना, सावधान, केयरफुल। तो ये तो बिल्कुल विजिलेंट जैसा ही अर्थ देगा, तो ये तो इनका विलोम नहीं है। रैश, रैश मतलब बेपरवाह होता है। रैश का मतलब होता है बेपरवाह, बल्कि खतरनाक, है ना। रैश ड्राइविंग हो सकती है, रैश प्लानिंग हो सकती है, ठीक। अलर्ट मतलब होता है बच्चों सावधान, अगेन अलर्ट का मतलब क्या होता है? सावधान, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या जाने वाला बच्चों? रैश, है ना, जो सावधान ना हो, बेपरवाह हो, है ना, नियमों को ध्यान ताक पर रखकर काम करता हो, ठीक है। तो रैश यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी अलर्ट, कॉशस, वेरी, इन सभी का अर्थ तो सावधान होना होता है, है ना बच्चों। तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। तो बच्चों क्या जाएगा आंसर? रैश चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए। ये रहे बाबा रामदेव जी आपके सामने, और यहाँ पर वर्ड है अपने पास फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल बच्चों क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब आप जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, लचीलापन, है ना, लचकदार। बहुत सारे दूसरे शब्द भी हैं फ्लेक्सिबल के लिए, है ना। एक बहुत अच्छा वर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है रेजिलियंट, रेजिलियंट, है ना, रेजिलियंट नेचर। अगर आपको ये शब्द याद रखना है तो पहली बात तो बोलना सीखिए, बोलिए मेरे साथ रेजिलियंट। क्या बच्चों? रेजिलियंट। और क्या एक नया शब्द इसके साथ जोड़िए, रेजिलियंट नेचर। किसी किसी का नेचर होता है कि अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे, अब हंस रहे बैठे, है ना। तो ये होता है रेजिलियंट नेचर, है ना, फ्लेक्सिबल, है ना, नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ बॉडी में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकपन, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड प्लायबल, बहुत सारे दूसरे शब्द हैं, लिख सकते हैं आप इसके सपोर्ट में, आप इसके सपोर्ट में लिख सकते हैं। सपल लिख लीजिए, सपल मतलब भी बच्चों लचीला होता है। प्लायबल, फ्लेक्सिबल, रेजिलियंट सबसे अच्छा वर्ड है बच्चों, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसके लिए ऑप्शंस है बच्चों, सब लोग चेक करिए आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। पहला वर्ड है स्टिफ। स्टिफ का मतलब बच्चों क्या होता है? टाइट, हार्श, हार्ड, रिजिड, रिजिड, हार्श, स्टर्न, है ना, ये सब हार्ड स्ट्रांग के लिए है। हार्ड स्ट्रांग, हार्श, हार्श वॉइस हो सकती है, हार्श नेचर हो सकता है, रिजिड नेचर हो सकता है, स्टर्न नेचर हो सकता है। स्टिफ, स्टिफ मतलब एकदम टाइट, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का, फ्लेक्सिबल लचीला, और इसका ये आंसर हमारा हो सकता है, ये एंटोनिम हो सकती है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। स्टेल मतलब बच्चों क्या होता है? नॉट फ्रेश, विच इज नॉट फ्रेश, बासी, है ना, स्टेल मतलब नॉट फ्रेश, बासी। सॉफ्ट जानते हैं आप, सपल, सफल तो बच्चों फ्लेक्सिबल की ही जो है सिनेनिम है, है ना। तो आंसर क्या जाने वाला है? स्टिफ चला जाएगा आंसर, ठीक है। सफल, प्लायबल, रेजिलियंट, ये वर्ड बच्चों बिल्कुल याद रखिए फ्लेक्सिबल के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हिलेरियस में यहाँ बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, ब्लाय, सैड, मैरी एंड हैप्पी। तो ब्लाइथ का मतलब भी बच्चों बेपरवाह, खुश रहने वाला इंसान, जो चीज़ों को ध्यान ना देता हो, मतलब बहुत ज़्यादा परवाह ना करता हो, किसी को कष्ट हो रहा है कि आपसे, है ना, किसी को परवाह नहीं, उसे कोई परवाह नहीं, वो खुश है, अपना मस्त है अपनी चीज़ में, अपनी जो है
गंगा में नहा रहे हैं, अपना मस्त हैं, बाकी परवाह नहीं। ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ को ब्लाइथ कहते हैं। ठीक है, सैड मतलब बच्चा दुखी होता है, आप सभी जानते हैं। मैरी मतलब भी खुश होता है, जॉयफुल, चीयरफुल, चीयरफुल, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, राइट, हैप्पी, जानते हैं आप सब। तो हिलेरियस का ऑपोजिट क्या होने वाला है बच्चों? सैड, है ना, सैड, दुखी, है ना, मॉर्नफुल। बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते हैं इसके लिए, मॉर्नफुल, ग्लूमी, सैड, डिजेक्टेड, डिप्रेस, डिस्पोंडेंट, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं सैड के लिए। मॉर्नफुल आप याद रखिए, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नहीं तो सारे शब्द नहीं हो पाएंगे। विशेष, विशेष मतलब आप जानते हैं बच्चों, बहुत चालाक और प्लानिंग भरा दोस्त कह सकते हैं आप, कि बहुत चालाक हो। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर है बच्चों आपके सामने, द कनिंग फॉक्स, है ना, चतुर लोमड़ी। तो लोमड़ी कैसी होती है? बहुत ही चालाक होती है ना, और दुष्ट भी होती है ना, मतलब नालायक भी होती है बच्चों। तो विशेष, विशेष शब्द यहाँ पर है, और इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं। सिनफुल, पाप भरा। बेनफुल, बेनफुल मतलब भी, मतलब किसी चीज़ से, कैसे बच्चों, बेन का मतलब भी श्राप होता है ना, अभिशाप भरा, है ना। ठीक है, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्यशाली। तो ये तो सब नेगेटिव वर्ड्स हैं बच्चों, सिनफुल, बेनफुल, अनफॉर्चुनेट, सब नेगेटिव वर्ड हैं। और विशेष भी अपने आप में नेगेटिव, हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? गुणकारी, है ना, गुणों से भरा हुआ, वर्चुअस। ओएस लगता है तो एडजेक्टिव हो जाता है। सिन मतलब बच्चों पाप होता है, सिनफुल पाप से भरा हुआ, सिनफुल एक्ट हो सकता है, सिनफुल मैन हो सकता है, है ना। बेनफुल, बेनफुल भी ठीक ऐसा ही मतलब देता है। अनफॉर्चुनेट, अभागा, आप जानते हैं अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है बच्चों? अभागा, है ना। तो विशेष का ऑपोजिट क्या होने वाला है? वर्चुअस, गुणकारी, है ना। विशेष मतलब समथिंग बैड, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बता दो बच्चों। क्वाइसेंट, क्वाइट शब्द आप सबको बच्चों पता है। क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट मतलब शांत, है ना, पीसफुल। क्वाइसेंट, क्वाइसेंट भी ऐसी ही स्थिति, द स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट। ठीक है बच्चों, क्वाइसेंट मतलब भी शांत। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यू आर सो क्यूट एंड यू आर सो म्यूट, है ना। ठीक है, और इसके लिए, क्वाइट के लिए टेसिटन वर्ड भी यूज किया जाता है। टेसिट मतलब चुपचाप, शांति से। ठीक है, तो क्वाइसेंट के लिए एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? अनसुनी कर देना, अनसुना होना, मतलब आप किसी से कुछ कह रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ही इज इनडिफरेंट, है ना। वो क्या है? इनडिफरेंट है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो इनडिफरेंट, अनसुना, अनसुना करना या बिहेव करना, अनसुना बनना, है ना, मतलब परवाह न करना। पीसफुल, शांति भरा, ये तो ठीक वैसा ही है बच्चों, क्वाइसेंट, शांति भरा। एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव आप जानते हैं एकदम क्या बच्चों? सक्रिय, है ना, चैतन्य। और यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों? डिजेक्टेड, है ना। क्वाइसेंट मतलब शांत और एक्टिव मतलब बच्चों सक्रिय, है ना, समथिंग मूविंग, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? एक्टिव, है ना। क्वाइसेंट शांति पे है, इनडिफरेंट अनसुना कर रहे हैं, शांत है मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको, है ना। पीसफुल मतलब शांति से भरा हुआ। डिजेक्टेड का मतलब तो बच्चों उदास होता है, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, अभी अभी वर्ड हम लोग ने पढ़ा है, तो डिजेक्टेड तो नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा बच्चों इसका ऑपोजिट? एक्टिव, जो सक्रिय है, जो शांत नहीं है, जो क्वाइसेंट नहीं है। सो द आंसर गोज सी। नेक्स्ट बता दो बच्चों, एग्जॉडस। एग्जॉडस के लिए बच्चों एक पिक्चर देखिए आई है, द डिपार्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही साथ कई सारे लोग कहीं चले जाएं, एग्जॉडस हो गया, है ना, भारी संख्या में पलायन। 110 पीपल एग्जॉडस कर रहे हैं, द एग्जॉडस ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम द टाउन, टाउन का रिफ्यूजीज से एग्जॉडस करना। एक्स वर्ड जब भी बच्चों लगता है तो बाहर का जैसा, आउट जैसा सेंस आता है। एग्जॉडस, एग्जॉडस का मतलब भारी संख्या में पलायन, है ना। क्या लिख सकते हैं? भारी संख्या में पलायन, भारी संख्या में पलायन। ठीक है, एग्जॉडस। तो हमें एंटोनिम चाहिए, अराइवल आ जाना, एग्जिट मतलब बाहर जाना, नहीं होगा ये आंसर, रिफंड नहीं होगा, डिपार्चर चले जाना नहीं होगा, अराइवल सही आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? अराइवल, आ जाना। ठीक है, यही केवल इससे ऑप्शन को ध्यान में रखते, आंसर इसको ध्यान में रखते हुए केवल यही है जो ठीक है। नेक्स्ट, चलो आसान था ये, सबने ठीक किया होगा। स्पास,
स्पार्स का मतलब बच्चों क्या होता है, छितरा बितरा, छितर बितर, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, है ना, बिखरा हुआ। जैसे एक बहुत अच्छा यूसेज है जो ऑक्सफोर्ड में भी मिलता है स्पार्स के साथ, स्पार्स पॉपुलेशन, स्पार्स पॉपुलेशन, स्पार्स पॉपुलेशन का मतलब क्या है बच्चों, स्कैटर्ड है, छितर छितरी बितरी है, मतलब इधर उधर है, है ना, एक पास नहीं है, स्कैटर्ड है ना, बिखरी हुई, स्पार्स पॉपुलेशन दूर दूर, है ना, घनी नहीं है। तो याद रहेगा स्पार्स का अर्थ, अब आपको स्पार्स पॉपुलेशन याद रखिए, याद रहेगा। अच्छा, एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होता है, एबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में होना, भारी मात्रा में होना, तो शायद ही हमारा आंसर हो सकता है, आगे पढ़ लीजिए। बी मतलब कॉस्टली, कॉस्टली से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। ट्रांक्विल मतलब बच्चों शांत होता है, ट्रांक्विलाइज कर दिया जाता है किसी जानवर को, इंजेक्शन देकर ट्रांक्विलाइज कर दिया जाता है, मतलब उसे शांत सुला दिया जाता है, है ना, ट्रांक्विलाइज कर दिया जाता है, ट्रांक्विल का मतलब होता है शांत, शांत, है ना। स्कैंटी, स्कैंटी का अर्थ क्या होता है बच्चों, स्कैंटी का अर्थ होता है कंजूस, स्कैंटी का अर्थ बच्चों क्या होता है, कंजूस, ठीक है, कमी। तो यहाँ पर आंसर क्या जाने वाला है, एबंडेंट जाने वाला है, अधिकता। स्पार्स मतलब छुटपुट, बिखरी हुई कहीं कहीं पर, एंड एबंडेंट मतलब भारी मात्रा में, है ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, एबंडेंट, राइट, दिस इज द राइट वर्ड। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जानते हैं आप, है ना, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। और एरोगेंस मतलब बच्चों क्या होता है, एरोगेंस मतलब खराब व्यवहार, है ना, एरोगेंस मतलब खराब व्यवहार, खड़ूस। बहुत अच्छी हिंदी तो नहीं आती मुझे बच्चों, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, एरोगेंस खड़ूस व्यवहार, खराब व्यवहार, है ना। एमिटी, एमिटी वर्ड जरूर है बच्चों, एमिटी, एमिटी मतलब होती है मित्रता, मतलब एमिएबल नेचर हो जिसका, एमिकेबल एक वर्ड है ना बच्चों, एमिकेबल, एमिकेबल मित्रवत, एमिकेबल का मतलब क्या, मित्रवत, मित्रवत मित्र की तरह, है ना, उसी से बना है एमिटी, तो ये बिल्कुल ठीक वर्ड है इसके लिए, इसका सेम मतलब देता हुआ। और एनमिटी मतलब बच्चों शत्रुता होता है, एनमिटी मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है, और फ्रेंडशिप मतलब मित्रता होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, आंसर जाएगा हमारा एनमिटी। आगे पढ़ लीजिए, स्लेवरी, स्लेवरी मतलब दासता, जब आप किसी को बंधक बना लेते हैं, स्लेवरी दासता, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होना। एमिटी का अर्थ बच्चों याद रखना, एमिटी मतलब फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इसका सेम आंसर देने वाला है, एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम हो जाएगी एनमिटी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज ऑब्सोलीट, ये भी एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब बच्चों क्या होता है, ऑब्सोलीट मतलब जो चीज़ें बंद हो चुकी, जो अब फैशन में नहीं है, आउटडेटेड कह सकते हैं आप उन्हें, है ना, ऑब्सोलीट। तो ऑप्शन में क्या है, रिजिड, है ना, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्श, हार्ड अभी डिस्कस हुआ है, हार्ड कठोर, है ना, हार्श हार्ड, रिजिड स्टर्न। रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट मतलब बच्चों डिस्टेंट दूर, रिमोट मतलब क्या होता है बच्चों, रिमोट से आप क्या करते हैं, दूर से चीजों को सिग्नल को कैच करते हैं, तो रिमोट मतलब डिस्टेंट दूर, आउटस्कर्ट्स, आउट स्कर्ट्स दूर बाहर, रिमोट एरियाज, है ना। रीसेंट मतलब हाल ही का, आप जानते हैं, आउटडेटेड, आउटडेटेड ठीक वैसा ही वर्ड है ना बच्चों, ऑब्सोलीट का सेम अर्थ देने वाला आउटडेटेड है, तो हमें तो चाहिए एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगी, रीसेंट हाल ही का, ऑब्सोलीट मतलब जो पुराना हो गया, जो फैशन में ही, और रीसेंट मतलब अभी नया नया, सो आंसर गोज सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब बच्चों निंदाजनक, जिस पे डेरोगेट करने की आवश्यकता, जिस चीज़ को डेरोगेट करने की आवश्यकता है, वो है डेरोगेटरी रिमार्क्स। जैसे डेरोगेटरी का यूज़ आपको सीखना, डेरोगेटरी रिमार्क्स हो सकते हैं, है ना, निंदाजनक टिप्पणियाँ, डेरोगेटरी रिमार्क्स, निंदाजनक हिंदी में लिख लीजिए, चाहिए तो निंदाजनक, ठीक। अब इंट्रिकेट वर्ड है इसके लिए, एक ऑप्शन में आ रहा है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है बच्चों बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल। अक्सर अक्सर जो बच्चों इसका प्रयोग आपको मिलेगा पैटर्न्स में, मतलब कोई चीज़ जैसे बनी हुई है ना, कोई पेंटिंग्स बनी हुई है, बहुत ही जटिल पेंटिंग बनाई गई है, तो पेचीदा पैटर्न्स के लिए, किसके लिए बच्चों, पैटर्न्स के लिए, विजुअल पैटर्न्स के लिए, ठीक है,
तो इंट्रिकेट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है बच्चों बिल्कुल सम्मानपूर्व, सम्मान से भरा हुआ है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन हो सकता है सम्मान से भरा हुआ, सम्मान से भरा हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएटिंग, डेप्रिसिएट मतलब किसी चीज की वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएटिंग, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, वैल्यू कम करना है ना, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी। आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो कुछ दिन में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन होती है। इंसल्टिंग, इंसल्टिंग आप जानते हैं। तो डेरोगेटरी का ऑपोजिट क्या जाने वाला है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री, सम्मान से भरा हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब बच्चों क्या होता है, स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। लीवे वर्ड इसके लिए एक लिख लीजिए, लीवे मतलब भी बच्चों क्या होता है, स्वतंत्रता, कि हम आपको थोड़ी सी लीवे दे सकते हैं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो लीवे मतलब भी स्वतंत्रता और लिबर्टी है ना, फ्रीडम आप जानते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता है ना, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, ये ऑपोजिट है इसका। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, और पढ़ लीजिए बाकी। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, अगेन ये ऐसा ही मतलब दे रहा है, सेम है। कन्वीनियंस, सुविधा, कोई मतलब नहीं है। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस मतलब भी मुक्ति होता है दर्द से, किसी अन्य चीज़ से मुक्ति है ना, मिल जाना पेन से या किसी अन्य चीज़ से, दुख से, कष्ट से मुक्ति। तो ये भी स्वतंत्रता जैसे अर्थ रखता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस, निर्भरता, ठीक है। कि डे बाय डे फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ब्रॉड, ब्रॉड आप जानते हैं, आई होप आप जल्दी से आंसर देखिए और बता दीजिए हमें क्या होने वाला है। लॉन्ग, नैरो, लार्ज एंड वाइड। लॉन्ग लंबा, नैरो सकरा संकीर्ण, लार्ज बड़ा, वाइड मतलब चौड़ा। तो ब्रॉड का बच्चों क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑप्शन क्या है, नैरो, बाकी सब पॉजिटिव है। लॉन्ग लंबा, लार्ज बड़ा, वाइड चौड़ा, दे ऑल आर पॉजिटिव। नैरो मतलब संकीर्ण है ना बच्चों, ठीक है। ये तो बेहद ही आसान था, एग्जाम में कुछ हिस्सा ऐसा बच्चों रहेगा जो बहुत आसान रहेगा, जो सभी करेंगे, आपको मुश्किल वाला करके भी थोड़े और नंबर इकट्ठा करने हैं बच्चों। हॉस्टाइल वर्ड है, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब बच्चों क्या होता है, हॉस्टाइल मतलब जब आप किसी चीज़ के विरुद्ध हो जाते हैं, है ना, हमारा किसी से पंगा हो जाता है तो हम कैसे हो जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, है ना, हॉस्टाइल, है ना। राइवलरी, राइवल है ना, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है बच्चों, वॉयलेंट हो जाना, ठीक है, हो सकता है ये एक ऑप्शन। एमिएबल मित्रवत हो जाना, मित्रवत हो जाना, एमिएबल, एमिएबल मतलब वैसे बच्चों आपका होता है एकदम सॉफ्ट नेचर, मधुर। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होता है बच्चों, और एमिएबल मतलब सॉफ्ट नेचर, और हॉस्टाइल का मतलब ऐसा नेचर जैसा यहाँ फोटो में दिख रहा है बच्चों, है ना, गुस्से वाला बिल्कुल। एडवर्स मतलब भी विरोधी होता है ना, ठीक है, ये भी कैसा होता है, अपोजिट है ना, एडवर्स, ऑपोजिट। अनफेवरेबल, ये भी निगेटिव है बच्चों, है ना, जो समर्थन में ना हो, अनफेवरेबल हो, प्रतिकूल। तो हॉस्टाइल के लिए बच्चों एक वर्ड अपने पास है यहाँ पर, दैट इज एमिएबल, क्या, एमिएबल, सॉफ्ट नेचर, है ना। हॉस्टाइल का मतलब क्या है यहाँ पर, विरोधी भावना, तो विरोधी भावना। वॉयलेंट एक जैसा ही अर्थ रख रहा है, एडवर्स भी वैसा ही अर्थ रखता है, अनफेवरेबल भी निगेटिव अर्थ रखता है, सिवाय इसके, है ना, बाकी सब गड़बड़, ठीक है बच्चों। एमिएबल मधुर, ठीक, सौम्य, जो अच्छा लगे, हॉस्टाइल नेचर तो नहीं अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है, स्लगिश, स्लगिश ग्रोथ, कैसी ग्रोथ, स्लगिश शब्द को याद रखना है तो ग्रोथ शब्द इसके साथ जोड़ लीजिए। स्लगिश ग्रोथ मतलब बहुत धीरे धीरे, है ना, कैसे ग्रोथ हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, स्लगिश। यहाँ देख लीजिए कि ये भाई साहब पढ़ने के लिए बैठे हैं, एंड देन ही ले डाउन, लेट गए धीरे से, फिर सो भी गए हैं, बुक सर पे रख ली है, तो इंडोलेंट हो गए। इंडोलेंट मतलब बिल्कुल कैसे, एकदम लेजी, बहुत लेजी, है ना, आलसी टाइप। तो स्लगिश का मतलब बहुत आलसी, है ना, इंडोलेंट, ठीक है, इंडोलेंट, सुस्त, आइडल, स्लगिश, ठीक। सेडेंट्री, सेडेंट्री का मतलब होता है बैठने से संबंधित, रिलेटेड टू
सेटिंग रिलेटिंग टू सिटिंग, बैठने से संबंधित, सेडेंट्री जॉब हो सकती है कि आपको बैठकर जॉब करनी है, सेडेंट्री जॉब्स, ठीक है भाई, सेडेंट्री मतलब बैठने से संबंधित, डल डल मतलब नीरस भद्दा, है ना, डल डल मतलब भी बच्चों आइडल, सुस्त सुस्त, नॉट एक्टिव, ठीक है, वीक मतलब कमजोर, जानते हैं सभी आप सब, एक्टिव का मतलब सक्रिय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टिव, है ना, स्लगिश के हिसाब से, बाकी सब एक जैसा आप देते हैं, स्लगिश डल वीक, सिर्फ केवल और केवल एक्टिव, है ना, यही इसका ऑपोजिट बनने वाला है, यही लेवल बच्चों एग्जाम में बिल्कुल ठीक आने वाला है आपके सामने। नेक्स्ट बता दीजिए बिजार, बिजार का मतलब बच्चों क्या होता है, अजीब, स्ट्रेंज, है ना, समथिंग स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, अजीब, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर आप कह सकते हैं, एक और भी वर्ड है पिक्यूलियर, ये भी अजीब से, मतलब जो सामान्य ना हो, अनयूजुअल, समथिंग अनयूजुअल, समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो बिजार का मतलब स्ट्रेंज, अजीब, ऑकवर्ड, वियर्ड, वियर्ड भी बच्चों ठीक बिजार का अर्थ रखता है, वियर्ड, है ना, स्ट्रेंज आप जानते हैं अजीब के लिए आता है, यूजुअल मतलब होता है सामान, सिंपल ऑर्डिनरी, है ना, सिंपल साधारण, है ना, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, तो ये अपना आंसर हो सकता है, हैप्पी नहीं होने वाला, आंसर क्या जाएगा बच्चों, यूजुअल, सामान, सिंपल, ऑर्डिनरी, है ना, यूबिक्यूटस, जो सभी जगह दिखाई दे, ठीक है भाई। एल्योर, एल्योर करना मतलब बच्चों किसी को ललचाना, ललचवाना, लुभाना आप कह सकते हैं, अच्छा शब्द रहेगा लुभाना, लुभाना, इसके लिए दूसरे शब्द भी है बच्चों, टेम्प्ट, टेम्प्ट, एलेओर, एंटाइस, एंटाइस, अकेले, लेओर भी इसी के लिए आता है बच्चों, लेओर शब्द अकेले, लेओर मतलब भी बच्चों लुभाना और लेओर मतलब भी लुभाना, ओके, टेम्प्ट, एंटाइस ऐसे शब्द एकदम में बच्चों पूछे जाते हैं, ये सब लुभाने के लिए, है ना। अट्रैक्ट करना, ये तो ठीक वैसा ही मतलब है बच्चों, अपनी तरफ आकर्षित करना। रिवाइंड करना, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मूवी निकल गई, है ना, उसको रिवाइंड कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। रिपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये अट्रैक्ट की ऑपोजिट है, रिपल्स, रिपल्स मतलब कि एक ऐसी फीलिंग जो खराब लगे, अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना और किसी चीज़ से दूरी बन जाए, है ना, कोई एक ऐसी भावना क्रिएट हो जाए जिससे कि आप, आपको वो चीज़ पसंद ना आए, डिसलाइक करें आप उस चीज़ को, तो ये फीलिंग कहलाती है रिपल्स, ठीक है। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना किसी चीज़ को, पुनर्जीवित करना, है ना, कोई प्रथा या किसी इंटरेस्ट को रिवाइव करना, है ना, कोई आपका इंटरेस्ट है जिसे आप रिवाइव कर रहे हैं, या कोई प्रथा को रिवाइव करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर बच्चों चला जाएगा, रिपल्स करना, है ना, अट्रैक्ट करना, अलेवर का मतलब क्या, लुभाना, और रिपल्स करना मतलब डिसलाइक कर देना किसी चीज़ को, ठीक, तो एक ही शब्द है। बहुत अच्छे ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर। डेक्सटेरिटी क्या होती है, डेक्सट्रस शब्द आपने सीखा है बच्चों, डेक्सट्रस मतलब कुशल, स्किल्ड, 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 है ना बच्चों, पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर, वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड, एट होम इन, एट होम इन का मतलब भी बच्चों कुशल, ठीक है, डेक्सटरिटी कुशलता, है ना, स्किल, मास्टरी सेम मतलब है, स्किल ठीक वैसा ही बच्चों मतलब, एजाइलिटी मतलब होता है फुर्तीलापन, एजाइलिटी, निम्बलनेस, एजाइलिटी, निम्बलनेस, एक्टिवनेस, ठीक है। तो एक और शब्द है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान होता है, यही अपना ऑप्शन होने वाला है, है ना, डेक्सटरिटी कुशलता, पास्ट मास्टर, वेल वर्स्ड, एट होम इन, ये सब बहुत सारा ज्ञानी लोगों के लिए है,
है ना। वेटरन, वेटरन मतलब भी जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज हो, और इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। तो ऑप्शन क्या जाने वाला है, इग्नोरेंस। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब जानते हैं आप, है ना, चीजों को टुकड़ों में बांट देना, बाइफरकेट कर देना, बाइफरकेट, बाइफरकेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना, सेग्रीगेट, बाइफरकेट, सेग्रीगेट, सेवर, एस ई वी ई आर, सेवर। सेवर मतलब भी काट कर अलग कर देना, है ना, ठीक है। इनगल्फ का मतलब बच्चों क्या है, इनगल्फ मतलब चपेट में ले लेना। द फायर इनगल्फ्ड इनटू द विलेज, है ना, गांव को चपेट में ले दिया, ठीक है, चपेट में लेना, ठीक है, इनगल्फ कर लेना। स्प्लिट, ये स्प्लाइट नहीं है बच्चों, ये एक्चुअली स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, कोई चीज़ स्प्लिट होना, है ना। स्प्लिट हेयर्स, स्प्लिट हेयर मतलब बाल की खाल निकालना, स्प्लिट हेयर, इससे याद रखिए, बाल की खाल निकालना। स्प्लिट मतलब तोड़ना। ब्रेक मतलब भी बच्चों क्या होता है, टूटना, सभी जानते हैं, ब्रेक मतलब भी टूटना होता है। एंड यूनाइट मतलब क्या होता है बच्चों, एक जगह उपस्थित हो जाना, है ना, एकत्रित, सहमत हो जाना, मिलकर काम करने लग जाना, राइट। सो यूनाइट, आंसर गोज यूनाइट। डिवाइड, बाइफोकेट, सेग्रीगेट, सेवर, ये सब एक जैसे थे, है ना, स्प्लिट, ब्रेक, और इनगल्फ का अलग ही मतलब चल रहा था, चपेट में लेना। एंड सो आंसर इज यूनाइट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट बच्चों, स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, कानून होते हैं। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही कठोर, स्ट्रिंजेंट लॉज, याद हो जाएगा अब ये शब्द। क्या बोलिए एक बार मेरे साथ, स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, है ना, कठोर दंड। कैसा, कैसा दंड, कठोर। यहाँ देखिए लिखा है स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त। अंडर न्यू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल द स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज, कैसी पेनाल्टीज बच्चों, स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ्स, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज, स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मतलब कठोर, हार्ड, क्या बच्चों, हार्ड, कठोर। स्ट्रिंजेंट लॉज याद रखिए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट याद रखिए, याद होने वाला है। अब ऑप्शंस है बच्चों, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब भी कठोर, स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी रिजिड, हार्श, कठोर, है ना, इन सभी का मतलब बच्चों कठोर से है, हार्श, कठोर। सीवियर, क्या बच्चों, सीवियर, सीवियर मतलब क्रिटिकल, गंभीर, ग्रेव, ग्रेव, क्रिटिकल, गंभीर, क्या बच्चों, गंभीर, ठीक है। लीनियंट, लीनियंट मतलब आपको थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी, कि आज सर जी तो बड़े लीनियंट है, मार ही नहीं रहे, बिल्कुल डांट ही नहीं रहे, है ना, तो लीनियंट हो जाना। अब आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। सौम्य, सॉफ्ट, क्या बच्चों, सॉफ्ट। तो ऑप्शन क्या जाने वाला है, लीनियंट, बाकी सभी हार्श और हार्ड के लिए हैं, ठीक। नेक्स्ट, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, लुक द पिक्चर, डर लग रहा है देख करके, तो बिल्कुल ठीक ऐसी ही, यही वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रूसम, ग्रिसली, ये शब्द हैं कुछ ऐसे चित्रों को, ऐसी बनावट को बताने के लिए जो बहुत विभत्स हैं, देखने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरावने और ख़राब हैं, मतलब किसी के, मतलब इस तरह से चेहरे, ऐसे चेहरे, ग्रोटेस्क, ग्रूसम, ग्रिसली, ग्रिसली, गास्ली, गास्ली मतलब भूत प्रेतों जैसे, मतलब मुर्दे जैसी सूरत, है ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा ही विभत्स, खराब, डरावने। ग्रूसम, ग्रिसली, गास्ली, ग्रोटेस्क, ये सारे शब्द हॉरिफाइंग, है ना बच्चों, हॉरिफाइंग, बहुत ज़्यादा डरा देने वाले। तो आई होप आप, आपको वर्ड ये बिल्कुल समझ में आ गया है। मैं बहुत देर तक इस फोटो को देख कर नहीं रह सकता, हटाना चाहता हूँ इसको जल्दी से। तो ग्रोटेस्क, ग्रूसम, ग्रिसली एंड गास्ली। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब भी बच्चों शैतान होता है ना, मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, शैतान, और मॉन्स्ट्रस मतलब शैतान जैसा, राइट। बहुत सारे शब्द, दूसरे शब्द भी हैं भूत प्रेतों के लिए, तो अब बात नहीं करेंगे ज़्यादा।
अगली मतलब बच्चों बदसूरत होता है, ये भी बिल्कुल ठीक, ग्रोटेस जैसा ही मीनिंग दे रहा है, मॉन्स्टर्स अगली एक जैसे मीनिंग देने वाले हैं। अट्रैक्टिव जरूर बच्चों ऑपोजिट है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाला, ये सब चीज़ें तो कतई आकर्षित नहीं करेंगी। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टॉर्ट करना मतलब रूप बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट करना मतलब रूप बिगाड़ना है ना, और डिस्टॉर्टेड मतलब रूप बिगड़ा हुआ, डिस्टॉर्ट मतलब बच्चों रूप बिगाड़ना, और डिस्टॉर्टेड मतलब जिसका रूप बिगड़ चुका हो, एडजेक्टिव बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो जल्दी से इसे हटा देते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द आपको मिल गए हैं इसके लिए, और इन्हें नोट डाउन करते रहिए, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। फिकल, फिकल, फिकल मतलब क्या होता है बच्चों, चंचल, फिकल का मतलब चंचल, जो अभी थोड़ी देर ये कह रहा था थोड़ी देर बाद कुछ और कह रहा, फिकल माइंडेड पर्सन होते हैं। आपको फिकल वर्ड याद रखना है तो बच्चों आप फिकल माइंडेड याद रखिए, कैसे, फिकल माइंडेड पीपल मतलब चंचल दिमाग के लोग, है ना बच्चों, वॉलाटाइल, वर्सटाइल, वर्सटाइल, ठीक है। फिकल, चेंजेबल मतलब बहुत जल्दी, फ्लक्चुएटिंग ब्रेन है उनका, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं उनके विचार, ठीक। क्राफ्टी, अब ऑप्शंस क्या हैं बच्चों, क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब क्राफ्ट जानते हैं आप, और क्राफ्टी मतलब जो जिनके अंदर वो कलाएं हों क्राफ्ट बनाने की, क्राफ्टी नई चीज़ें, क्रिएटिविटी, फ्लाइटी, फ्लाइटी फ्लाइट से बना हुआ है बच्चों, है ना, ठीक है। फ्लाइटी मतलब थोड़ी देर यहाँ बैठे उड़कर थोड़ी देर कहीं, और ये स्पेशली ये वीमेन के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए फ्लाइटी वर्ड इस्तेमाल होता है कि थोड़ी देर यहाँ है कहीं और है, ठीक है। तो ये भी फिकल जैसा मतलब दे रहा है बच्चों। सटल मतलब सूक्ष्म, सटल का मतलब क्या बच्चों, बहुत ही सूक्ष्म, छोटा, है ना, सटल, सटल डिफरेंस, बहुत ही माइन्यूट, माइन्यूट। स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, एकदम बराबर, है ना, जैसा कल वैसा ही आज, स्टेबल, स्टेबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट, स्टीडी, ठीक। तो ये ऑपोजिट है, ये क्या है बच्चों, ये ऑपोजिट है फिकल, क्राफ्टी, फ्लाइटी, सटल, इन सभी का, फिकल का स्पेशली, स्टेबल, शांत, एक जगह ठहरा हुआ। हेस्ट, हेस्ट सभी जानते हैं, जल्दी करना, हरी अप, पीछे से देख के समझ सकते हैं, हेस्ट मतलब जल्दी करना, रश मतलब भी भागना, जल्दी जल्दी, है ना, रश का मतलब भी भागना, ठीक है। लूज मतलब खो देना, लूज का मतलब क्या है बच्चों, खो देना। डिले, पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ, टालना, देर कर देना, डिफर, बहुत सारे दूसरे शब्द हैं, देर कर देना, देर करना, प्रोक्रास्टिनेट, पुट ऑफ, डिले, प्रोक्रास्टिनेट, बहुत सारे दूसरे शब्द हैं, डिफर कर देना, टाल देना। डैश मतलब भी बच्चों भागना होता है, डैश का मतलब क्या होता है, भागना, ठीक है। तो यहां पर बच्चों कौन सा ऑप्शन चलेगा, दैट इज डिले, देर करना, हेस्ट मतलब जल्दी करना, और डिले मतलब देर करना, फाइन। परसिस्ट, परसिस्ट करना मतलब बिल्कुल लगे रहना, है ना, किसी चीज को बरकरार बनाए रखना, ठीक है, परसिस्ट। इंसिस्ट, इंसिस्ट तो बच्चों यहां पर क्या है, परसिस्ट बने रहना, डटे रहना। इंसिस्ट मतलब भी किसी बात पर जिद करना, ये भी जमे रहने और डटे रहने जैसा अर्थ देता है बच्चों। एंड रिमेन, रिमेन मतलब भी बने रहना, सस्टेन, सस्टेन, रिटेन, ये सभी बच्चों एक जैसे शब्द हैं, है ना, सस्टेन, रिटेन, रिमेन, बने रहना। इंसिस्ट तो यहां पर भी दिया है। सीज मतलब बच्चों रोक देना, टू स्टॉप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करना रोक, कुछ कुछ करने को रोक देना, सॉरी, सीज, है ना। और एक सीज होता है बच्चों जब्त कर लेने वाला, ये जब्त कर लेना, जब्त कर लेना, पुलिस सीज कर देती है, राइट। और ये सीज का मतलब क्या है, टू स्टॉप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करना रोक देना। एंड कंटिन्यू मतलब भी आगे करते रह जाना। तो बच्चों परसिस्ट का ऑपोजिट क्या होने वाला है, जस्ट डिसाइड, तो आंसर इज सीज, राइट, सीज हो जाएगा। परसिस्ट मतलब डटे रहना, एंड सीज मतलब टू स्टॉप, रोक देना।
बहुत अच्छा थॉट लिखा है बच्चों, यहाँ पर पढ़ लो, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी। बहुत सुंदर थॉट है बच्चों ये। ग्ली, ग्ली मतलब ग्रेट डिलाइट, बहुत ज्यादा खुशी बच्चों, क्या ग्रेट डिलाइट, हैप्पीनेस, ग्रेट डिलाइट, हैप्पीनेस, जॉय है ना, ठीक है। वो वील एंड वो, वील मतलब भी बच्चों खुशी होती है, एंड वो मतलब होता है कष्ट, दुख है ना बच्चों, पेन, कष्ट, मिजरी, मिजरी, ठीक है। जॉय मतलब भी खुशी होता है बच्चों, जानते हैं। फन मतलब भी आनंद है ना। ब्लिस, ब्लिस मतलब भी किसकी अवस्था बच्चों, प्रेम की, एक प्रेम से बिल्कुल भर जाना है ना, ब्लिस, ठीक है, ब्लिस। तो ऑप्शन बच्चों क्या जाने वाला है, दैट इज वो, दुख, कष्ट, वील एंड वो, दुख, सुख और दुख, एक ईडियम है बच्चों, वील एंड वो, वील एंड वो, ठीक है, याद रखिए, सुख और दुख ईडियम है, सुख और दुख, ठीक। फाउल, फाउल एवरीबडी नोज, सभी को पता है, तो जल्दी से बच्चों आंसर बता दीजिए। प्राउड, घमंडी है ना, फेयर, ठीक ठाक, फेयर का मतलब क्या, सही है ना, विच इज फेयर, समथिंग इज फेयर, समथिंग विच इज प्रॉपर, करेक्ट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट उचित, वैलिड, बोनाफाइड, ठीक है, फेयर, नेस्टी, नेस्टी मतलब समथिंग बैड, समथिंग बैड, नेस्टी, वल्गर, अभद्र, तो नेस्टी बुरा। वाइल मतलब भी बुराई होता है बच्चों, वाइल मतलब भी समथिंग बैड, सो आंसर गोज फेयर है ना बच्चों, क्या चला जाएगा इसका ऑपोजिट, फेयर, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, माला, बोनाफाइड, वैलिड, ऑथेंटिक, जेन्युइन, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड है बच्चों मैलिस, मैलिस मतलब किसी के बारे में कुछ बहुत ज्यादा बुरा भला फैला देना, मैलिस है ना, कड़वाहट, बुराई, ठीक है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब बच्चों नम्रता होती है, ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, हम्बलनेस है ना, मॉडेस्टी, ठीक है। हिपोक्रेसी मतलब झूठ, हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है बच्चों, झूठ। गुडविल, गुडविल मतलब आपकी रेपुटेशन, साख, फेम, फेम, रेपुटेशन, साख हिंदी में कहते हैं। ट्रुथ मतलब सच्चाई, ट्रुथ मतलब सच्चाई, तो बच्चों क्या इसका आंसर जाने वाला है, जो दैट इज ऑपोजिट ऑफ मैलिस, मैलिस का ऑपोजिट होने वाला है बच्चों गुडविल, क्या हो जाएगा, गुडविल है ना, साख, रेपुटेशन है, मैलिस मतलब बुराई आपकी फैली हुई है ना, एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस इज गुडविल, फेम, रेपुटेशन, ठीक। असिस्ट करना तो सभी जानते हैं बच्चों, असिस्ट करना, हेल्प करना, असिस्ट, हेल्प, एड, सकर, ओ यू आर, सकर वर्ड अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता बच्चों हेल्प के लिए है ना, मॉनेटरी हेल्प हो सकती है कि गवर्नमेंट आपको सकर दे, ठीक है, सकर दे दे है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, हेल्प करना, असिस्ट, हेल्प, एड, सकर, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब तो बाधा क्रिएट करना होता है ना किसी के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब वर्ड मैंने बताया कि आपको ऑपोजिट नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करता है, नेगेटिव शब्द बनाता है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकावट, रुकावट, रुकावट बनना या बनाना, ठीक है। सपोर्ट, सपोर्ट करना तो असिस्ट जैसा ही है, फेवर करना बिल्कुल असिस्ट जैसा ही है, ठीक। कंसील मतलब क्या होता है बच्चों, कंसील मतलब होता है छिपाना, हाइड, राइट, तो ये भी नहीं होने वाला। डिक्लाइन मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्लाइन मतलब गिरना, डिक्लाइन मतलब गिरना, गिराना नहीं, डिक्लाइन मतलब क्या होता है, गिरना,
प्राइसेज आर डिक्लाइनिंग, प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो बच्चों ऑप्शन क्या जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट बनना, है ना, असिस्ट हेल्प करना एंड रुकावट बनना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस आप सभी जानते हैं, डिलीजेंट, परिश्रमी, है ना, डिलीजेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं अपने पास, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल लंबी अवधि वाला, है ना, जो लंबी अवधि के लिए चले, ड्यूरेबल हो, है ना बच्चों, काफी दिन चले, लंबी अवधि वाला, है ना, लंबी अवधि से संबंधित। कॉशस मतलब वेरी, सावधान, अवेयर लिख सकते हैं आप इसके लिए, अवेयर, जागरूक, सावधान, कॉशस। डिलीजेंट परिश्रमी, ये भी इसका सिनोनिम है। लेथार्जिक मतलब बच्चों होता है थका हुआ, है ना, लेथार्जिक मतलब टायर्ड, टायर्ड, हु इज नॉट एक्टिव, है ना, लेजी, आइडल, फटीग्ड, फटीग्ड मतलब भी बच्चों यही है, टायर्ड, है ना, लेथार्जिक, स्लगिश, स्लगिश, इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब आइडल, सुस्त, डल, ये सभी शब्द एक जैसे हैं लगभग। तो ऑप्शन इंडस्ट्रियस का क्या जाएगा बच्चों, लेथार्जिक, थका हुआ, हु इज नॉट एक्टिव, फाइन बच्चों। नेटिव, नेटिव का मतलब क्या है बच्चों, राष्ट्र से संबंधित, है ना, अपने ही देश में, नेटिव, नेटिव के लिए एक शब्द याद रखिए बच्चों, इंडिजिनस, है ना, नेटिव का जो है सिनोनिम है बच्चों, ये पर्यायवाची है इंडिजिनस, है ना, अपने ही देश में चीजें, इंडिजिनस गुड्स मतलब स्वदेशी, स्वदेशी चीजें, है ना, नेटिव, नेटिव स्पीकर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है बच्चों, एक तो बहुत अच्छा शब्द जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज एग्जॉटिक, है ना, एग्जॉटिक फूड, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, अर्बन, अर्बन मतलब बच्चों शहरी होता है, आप सबको पता है, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, ठीक है। रस्टिक मतलब बच्चों देहाती, है ना, अनसिविलाइज्ड, सैविज, बारबरस। फॉरेन मतलब बच्चों क्या, विदेशी, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेशी, एग्जॉटिक वर्ड भी यहां लिखा जा सकता था इसका ऑपोजिट, एग्जॉटिक, फाइन। ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, एग्जॉटिक, ठीक है भाई, इंडिजिनस वर्ड याद रखिएगा स्वदेशी के लिए। रिपल्सिव, रिपल्स मतलब गंदी फीलिंग किसी चीज, डिस्गस्टिंग फीलिंग, है ना, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, डिस, ओप्स, डिस्गस्ट। एंटीपैथी, एंटी, एंटी मतलब ऑपोजिट, पैथी मतलब फीलिंग, एंटीपैथी, है ना, एक सिंपैथी एंड एंटीपैथी, ऑपोजिट फीलिंग, ठीक है। हीडियस, हीडियस मतलब भी बच्चों ग्रूसम, ग्रिसली, बैड, कुछ बहुत ज्यादा खराब, अगली, बदसूरत, समथिंग वेरी बैड, है ना बच्चों, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाला, तो रिपल्सिव का बच्चों ऑपोजिट क्या होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये अपना आंसर है, लेकिन पढ़ लीजिए। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्ट करते हुए मतलब रिवॉल्ट करना क्या होता, विद्रोह करता करना, है ना, और रिवॉल्टिंग मतलब रिबेलियस, 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 है ना बच्चों, रिबेलियस मतलब भी रिबेल करना क्या होता है, विद्रोह करना, रिबेलियस शब्द आप इसे इसके साथ में याद रख सकते हैं। ब्रिलियंट आप जानते हैं आप सभी, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट परफॉर्मर, है ना बच्चों, ठीक है। तो रिपल्सिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, जो आपको अट्रैक्ट कर दें, है ना, डिस्गस्ट की फीलिंग ना आने दें। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे बच्चों, बिल्कुल एग्जाम में मिलने वाले हैं, नो वंडर कि आपको ये एग्जाम में मिले। ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब क्या होता है बच्चों, ह्यूमन से आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं, ह्यूमेन मतलब बेनेविलेंट, दयालु, जेनरस, वोलेंट। बेने शब्द जहां भी लगेगा ना बच्चों पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट करता है, बेनिफिट
है ना, बेनावलेंट, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद होता है बच्चों, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन है ना, बेनिफिट जानते हैं, तो बेने शब्द जहां लगता है दैट बिकम्स प्लूरल। बेनेवलेंट, जेनरस शब्द याद रखिए, जी ई एन ई आर ओ यू एस, जेनरस है ना बच्चों, ठीक है, बेनेवलेंट, जेनरस। काइंड, आप जानते हैं काइंड मतलब दयालु होता है। लिविंग, लिविंग मतलब रहना, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। सिंपैथेटिक, सहानुभूति से भरा हुआ। क्रूएल मतलब होता है बच्चों वो निर्दयी है ना, समथिंग क्रूएल, वेरी क्रूएल, क्रूएल किंग, तो इसका ऑपोजिट क्या जाने वाला है, क्रूएल ही जाएगा अनडाउटेडली। गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, एक्सटॉल, एक्सटॉल करना मतलब प्रेज करना, किसी की चापलूसी मतलब किसी को बहुत ज्यादा पढ़ा चढ़ा देना है ना, एक्सटॉल करना मतलब टू प्रेज हाईली है ना, बहुत ज्यादा किसी को प्रेज करना, ठीक है। एंड सेंश्योर का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज, कंडेम है ना, कंडेम, सेंश्योर, मलाइन, एम ए एल आई जी एन, मलाइन, लैम्बेस्ट, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए, लैम्बेस्ट, बहुत सारे शब्द बनते हैं बच्चों इसके लिए। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज करना, क्या करना बच्चों, आलोचना करना, क्या बच्चों, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना सेंश्योर का मतलब। तो एक्सटॉल का मतलब बच्चों प्रेज करना, किसी को हाईली प्रेज करना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी के विषय में बताना। एंड सेंश्योर मतलब निंदा करना, तो आंसर हमारा ये जाने वाला, बाकी पढ़ लीजिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम सजीव, तीव्र, लूसिड, विविड, विविड, विविड का मतलब क्या, एकदम स्पष्ट, लाइव, लाइव, एनिमेटेड, एनिमेटेड, वर्चुअल, वर्चुअल, ये सब एक जैसे शब्द है, रियलिस्टिक, विविड, लाइव, एनिमेटेड है ना, वर्चुअल। एक्सपोजर, एक्सपोजर के दो मतलब निकलते हैं, एक्सपोजर का एक मतलब है तो किसी चीज को एक्सपोज कर देना, उजागर है ना, ठीक है। और एक्सपोजर होता है किसी चीज से हम मतलब किसी चीज़ के संपर्क में आ गए और वो चीज़ हमको खतरा पहुंचाएगी, कि एक्सपोजर टू समथिंग, एक्सपोजर टू हीट, शी आई एम एक्सपोजर टू हीट, मतलब मैं उसके गर्मी से, बच्चों क्या है एक्सपोजर होता है हमको, मतलब उससे हमें तकलीफ होती है, उससे हमें परेशानी होती है, एक्सपोजर टू समथिंग याद रखिए बच्चों, एक्सपोजर टू समथिंग, ठीक है। बूरिश, बूअर मतलब बच्चों गंवार, एकदम बूअर का मतलब क्या होता है, एकदम गंवार है ना, किसी किसी के मतलब जो है, कुछ लोग स्कूल नहीं जाते फिर भी उनमें तमीज़ होती है ना, और कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल स्कूल तो गए ही नहीं होते हैं और वो एक्चुअली गंवार होते हैं, सो दे कैन बी सेड बूअर है ना, और बूरिश एडजेक्टिव बन जाएगा बूर का, ठीक। तो बच्चों यहाँ क्या आंसर हमारा जाने वाला है, सेंश्योर, ठीक। मेलो, मेलो मतलब बच्चों मेलोडी से आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं, मेलोडी में, मेलोडी क्या होती है बच्चों, मेलोडी मतलब वेरी स्वीट है ना, स्वीट मीठा है ना, तो मेलो मतलब मीठा, सॉफ्ट एंड स्वीट, पके फलों के लिए प्रयोग होता है बच्चों मेलो। मीडियम मतलब माध्यम होता है, आप जानते हैं, शाइनी मतलब ग्लिटरिंग है ना, सिंटिलेटिंग, शाइनिंग है ना, ठीक है, वॉल्यूमिनस, ठीक है, तो ये चमकदार के लिए है। एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और इसका ऑपोजिट हो सकता है, आई मीन ये तो सेम मतलब जाएगा, हार्ड, हार्ड हमारा आंसर हो सकता है, क्या चाहिए बच्चों हमको, हमारा आंसर हार्ड होने वाला है, मेलो मतलब स्वीट एंड सॉफ्ट, राइट, सो आंसर गोज हार्ड। एमर्ज, एमर्ज मतलब बच्चों निकलना, उभरना, क्या बच्चों, एमर्ज मतलब क्या होता है, उभरना, उभरना, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है ना, विराट कोहली, ठीक है, तो एमर्ज मतलब उभरना, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो तरह के लेंसेस दिखाए गए हैं, तो ये उभरा हुआ है, ये इमर्ज्ड पार्ट है ना, ठीक है। तो ऑप्शन है सरफेस, सरफेस मतलब धरातल है ना, सरफेस मतलब क्या होता है, धरातल, धरातल पर उभरना, सरफेस का मतलब उभरना भी होता है कि सरफेस पर आ जाना है ना,
धरातल पर आना, वर्ब की तरह वैसे नाउन की तरह सरफेस का मतलब धरातल है, और धरातल पर आ जाना मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाना, तो ये एक वर्ब की तरह भी बच्चों काम करता है सरफेस। डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना, डिसअपीयर मतलब क्या बच्चों, गायब हो जाना, गायब हो जाना, यू नो वेरी वेल, है ना, ठीक है। अनाउंस मतलब घोषणा करना, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम। अपीयर मतलब दिखाई देने लगना, राइट। तो अपना ऑप्शन क्या जाने वाला है उभरने के लिए, डिसअपीयर गायब हो जाना, पहले कोई चीज़ उभर रही है मतलब स्पष्ट होती जा रही है, और डिसअपीयर मतलब गायब होती जा रही है ना, तो आंसर जाएगा बी, टू डिसअपीयर। नेक्स्ट वर्ड इज परसुएड, परसुएड का मतलब क्या है बच्चों, परसुएड मतलब किसी को मनाना, कुछ करने के लिए, है ना बच्चों, किसी को कन्विंस करना, क्या करना बच्चों, परसुएड का मतलब क्या होता है, टू कन्विंस समबडी, कन्विंस समबडी टू डू समथिंग, है ना, परसुएड। और डिसुएड इसका ऑपोजिट होता है, एग्जैक्ट जो ऑपोजिट है बच्चों इसका क्या है, डिसुएड, है ना, कुछ ना करने के लिए कहना, परसुएड का मतलब टू डू समथिंग कुछ करने के लिए कहना, एंड डिसुएड मतलब कुछ ना करने के लिए मनाना, ठीक, बिल्कुल ठीक है। परवेड मतलब बिल्कुल छा जाना, ओवरस्प्रेड, ओवरस्प्रेड छा जाना। इंड्यूस, इंड्यूस करना बच्चों किसी को सुस्त कर देना, इम्प्रेस आप जानते हैं, इम्प्रेस करना, तो परसुएड का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, डिसुएड, किसी को कुछ ना करने के लिए तैयार करना। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, रियर, रियर मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे, रियर मतलब क्या होता है, पीछे, है ना, नाउन में हमने ये शब्द पढ़ाया है रियर, रियर, रियर मतलब पीछे, है ना, रियर, रियर कैमराज होते हैं फोन में बच्चों, बिल्कुल याद रखिए। फ्रंट मतलब सामने, इसका ऑपोजिट क्या जाने वाला, फ्रंट, फ्रंट, लोअर नहीं होने वाला। हाइंड मतलब बच्चों, बच्चों पीछे होता है, है ना, हाइंड लेग्स होते हैं, हैंड लेग्स मतलब पीछे के पैर। बैक मतलब भी पीछे होता है, तो हमें चाहिए इसका ऑपोजिट, दैट इज फ्रंट, क्या बच्चों, फ्रंट। तो इनका बच्चों बिल्कुल एक रिविजन ले लीजिएगा सारे शब्दों का, जो नए हैं आपके लिए उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, शब्द जितनी बार शब्दों को आप पढ़ेंगे, जितनी बार उनको उनकी पुनरावृत्ति बच्चों आप करेंगे, बस शब्द तैयार होते जाएंगे, कोई ट्रिक नहीं होती, शॉर्टकट नहीं है बच्चों शब्दों को तैयार करने का, तो सबसे अच्छा तरीका बार बार शब्दों से गुजरा जाए, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, और वर्ड्स को बोलें आप इतनी तेज से बोलें कि आपके कान सुन सके, और वर्ड्स तैयार होने वाले, थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। तो मिलते हैं अगले टर्न पर बच्चों कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।